कौन सी लड़कियां याद कर रही हूँ मुझे लड़कियां आई लव यू नहीं बोलती, तुझे आई लव यू बोल रही। आपको क्यों बोलेंगी? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम करने लगे हैं साथ के साथ प्रैंक, ठीक है। और प्रैंक इतना जबरदस्त किस्म का होने वाला है ना कि आज हमने ना साथ को रुला देना है सही वाला, ठीक है। अहमद क्या हो गया है आपको? आज आपको इतनी ज्यादा हिचकियाँ आ रही है। मैंने जब से निकाह हुआ है हमारा, जब से रुखसती हुई है, जब से मैंने कभी नहीं देखा कि आपको इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रही हो। हिचकियां आती हैं, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, हिचकियां तो आती नहीं हैं। मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं है कि आपको हिचकियां आती हैं। यार इसमें भी शक करना है आपने, हिचकियां क्यों आ रही है? नहीं आनी चाहिए ना, पानी शानी पिए जाके हिचकियां तो करे जा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हिचकियां आती हैं, क्या करे बंदा, हिचकियां ना करे पानी पिए। हिचकियों से भी आपको मसला है? अच्छा जी, तो आज हम करने लगे साथ के साथ प्रैंक, ठीक है। तो साथ अभी आया हुआ है घर पे, ठीक है। और अभी हमने उसे भेजा है रोटियां लेने के लिए, हमने कहा जाके रोटियां लेके आ, तो गया रोटियां लेने, ठीक है। हम इतनी देर में उसके आने से पहले कैमरा शैमरा अपना सेट कर देते हैं, छुपा देते हैं, फिर जब वो आएगा फिर हम अपना प्रैंक स्टार्ट करेंगे। तो जी कैमरा तो हमने सेट कर लिया है, अब हम करते हैं साथ के आने का वेट। अहमद आपको इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही हैं? पता नहीं यार, हिचकियाँ तो आती हैं, उसमें क्या? नहीं आनी चाहिए ना कभी, आपको आई नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि आपको कौन याद कर रहा है, आपको कौन सी लड़कियाँ याद कर रही हैं। यही भर के देना करा करो, लड़कियाँ याद कर रही हैं, हिचकियाँ हर बंदे को आती हैं, और हिचकियों से क्या है? नहीं कभी आई नहीं है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि पता नहीं हिचकियाँ आ क्यों रही हैं आपको आज, अल्लाह खैर करे। तो पता नहीं क्या मसला है आपके। चलिए अब हम साथ का वेट करते हैं। आपने मेरे ऊपर प्रैंक कर रही हो या उसके साथ प्रैंक करना है? हैं हिचकियों के पीछे पड़ गई मेरे। हाँ मेरी बात सुने, हमने साथ के साथ क्या करना है, हमने ना साथ को एकदम मतलब इस तरह से कंफ्यूज करना है ना कि तुझे तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, ठीक है। तू तो बिल्कुल फारिग है, बड़ा एक्टर बनता है, मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ज़रा भी एक्टिंग नहीं आती, और इतना सीरियस होकर बोलना है कि वो अगला बंदा परेशान हो जाए, रो जाए, ठीक है। बाद में उसको मना लेंगे, ठीक है ना, अभी हमने उसको रुलाना है। तो जी गाइस आप सब रेडी रहें हमारे साथ में। चाचू आप खुद जाया करो यार, बाहर बहुत गर्मी है, इतनी इतना रश था। ये तो मेरी नहीं बात करने की, तुम क्या मचा चू खुद जाएगा, एक काम क्या बोल दिया तुम, अपने सर पे चढ़ गया मेरे। क्या यार आपको सीधी तरह बोले, बाहर गर्मी आप जाके देखो, पसीने आ जाते हैं अंदर मुझे, और इतनी देर हो गई, उसको क्यों भेजा, रश इतना प्यारा। तू बेटे बेइज्जती है करवाई मेरी, ठीक है ना, तू ना जाएगा इससे। बात सुनो साथ, तुम ना साफ मना कर दिया करो, अब अहमद इसको कोई काम बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको कुछ ज्यादा ही हमें सर पे चढ़ा दी। नहीं इसको छोटा सा काम बोल दिया, ये वखरा सर पे चढ़ गया कि ना कि मुझे ना बोला करे, मैं नहीं कर सकता यार। हमेशा तो कर दो, क्या हमेशा कर दो, क्या काम कराया तुमसे? आप लोग भूल गए यार, नहीं यार मुझे नहीं याद दिलाना, अभी काम कर दिया ना, ले आओ रोटियां गरम कर दे, खाना दे दे, खाना भी नहीं दी देना है। तुम बस फारिक ही रहना, इसको हमें कुछ भी नहीं आता करना, बस फारिक है। तेरे छोड़े यार ही बात है उनकी, जितने हमें चाचू व्लॉग का या सीन है बनाना है कि नहीं, कोई चैलेंज आया कि नहीं? कोई चैलेंज कोई चैलेंज नहीं फारिक करा यार। अच्छा प्लीज, ये मजाक होता है, सीरियस क्यों हो रहे हैं एकदम, मजाक हो जाता है ना, इस तरह की बातें किया गया। छोड़े क्या कोई बताया ना, वीडियो शीडियो है तो बताया ना बापी, तुझे फारिक करा दिया। कोई प्लान नहीं है, ठीक है, अब हमें तुम्हें अपने व्लॉग में लेना ही है, क्योंकि तुम्हारी देखो तुम्हारी एक्टिंग में इंप्रूवमेंट है, सीधी बात है, एक्टिंग बिल्कुल फारिक है। लोग यही बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये मतलब करता क्या, समझ से बाहर है, ठीक है ना, तो इसको कुछ आता है, ठीक है, ऊपर से जब ये वो कर रहा था मेरे साथ प्रैंक आपके साथ मिलके, ठीक है, तब इसको एक्टिंग चेक की थी,
ठीक है, वो एक्टिंग वीडियो थी क्या, प्रैंक वीडियो थी, उसमें मैंने एक्टिंग करनी थी क्या? नहीं नहीं, खुद बताता ही नहीं है कुछ इसको, बिल्कुल वो बात ही नहीं है, उसी चीज की बात है। सुनो, आहिस्ता आहिस्ता बंदा वो होता है, पहले तुम सीखो उसके बाद ब्लॉग में आना। मतलब मैं क्या नाम है, दो पाँच साल सीखने में लगा लूं? हाँ, पहले सीखो। देखो इतने ज्यादा यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियो देखो कि वो एक्टिंग किस तरह करते हैं, फिर उसके बाद एक्टिंग तो सारी बात है। तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल फाड़ी थी, तुम्हें एक टके की एक्टिंग नहीं आती, दो टके का ही खुद है क्या? हाँ, ये आप लोगों ने ना कसम से सरासर गलत बात की, और आइंदा एक बात हूँ सीरियस बात है, इस तरह की बात ना कीजिएगा। बात सुने, मैं आपको इसलिए कहती थी इसी बात में कि इसको ब्लॉग में लाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ना इसको कि ये कितना पता नहीं है। नहीं, ये हरकतें इसकी देख लो। मुझे पता था, मैं आपको इसी वक्त नहीं कहती थी ना, एक तो अच्छा इसको चैलेंजेस में लिया, ठीक है, उसमें वहाँ पे इसकी लैंग्वेज सही नहीं होती, ठीक है, लोग गालियाँ दे रहा हो तो मैं सबको है खुद बताए, अब आप गालियाँ दे रहा हो तो क्या क्या बात हुआ, आकड़ क्यों रहा है यार? आप दोनों ने, आप दोनों इस तरह मैं आईंदा आऊंगा नहीं आप दोनों के साथ, ना मुझे लीजिएगा दादा। हाँ, मैंने कहा है आप लोगों को ना हो लेंगे इस बात पे यार जी, एक तो हम सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई इस तरह से होता है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, ये आकड़ इसकी चेक कर रही हुआ है, आप कहते हो साथ साथ को ले लो यार, साथ को मतलब ये अच्छा वो अच्छा यार ये कर लो वो, आप लोगों के साथ भी बड़ी, आप लोगों के साथ भी बड़ा टाइम मैनेजमेंट कर दो, मैं स्टोर के आप लोगों के साथ आता हूं, आप लोग खुद मुझे वेट करवाते हो, रात 9 बजे का कह के आप लोग 1-1 बजे आते हो, उस टाइम में वेट पूरा टाइम करना है तो बेटे तुमने, तुम्हारे साथ हम थोड़ी बनाने आते हैं लोग हैं, तुम तो बीच में क्या कहते हैं कबाब में हड्डी हो तुम क्या? आप चाचू अगर ये बात है ना, कसम से आप आएंगे मुझे ब्लॉग में ना नहीं लेंगे, बस आपने आएंगे मुझे ब्लॉग, आपने मुझे पूछने ही नहीं, आपका आप दोनों मेरा रास्ता अलग, रास्ता अलग, थोड़ा से बात कर तुम, रास्ते अलग ये वखरा, मतलब सर पे चढ़ रहा है अपनी औकात से भी ज्यादा जो है ना, ये बात औकात पे आपने कैसे बात कर लिया यार, एक तो आप बड़े हैं, आपकी इज्जत करता हूँ मैं, वरना क्या कर लेगा मेरे सामने ना, दांत ना निकाल, ठीक है ना, तेरे दांत अभी मैं तोड़ दूंगा। आप लोग सही है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, अपने बटन बंद कर मेरे सामने, अगर आप इतने बिजी करेंगे तो मैंने आपसे बात नहीं करनी, सीधी बात है, लाइव आप ही आप बोले आपकी बात हो गई, इस वजह से मैं इसको मार नहीं रहा, ये आकर दिखा रहा है, मैं हम तुम्हारे उसके लिए बोल रहे हैं फायदे के लिए, तो तुम अपनी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट लाओगे तो कुछ होगा ना, तो आप लोग ये आराम से भी बोल सकते हैं ना, आए हूँ क्या नाम एक्टिंग नहीं होती है वो वगैरह, तुम वखरे सर पे चढ़ रहे हो, मैंने नहीं चढ़ना आपके सर पे, मुझे मुझे क्या नाम है यहाँ तक भी ना, गले तक भी ना, ठीक है, ठीक है अहमद, मैं आपको इसी वक्त के लिए कह रही थी कि इसको ब्लॉग में ना जाए, आपको ही शौक था, और फिर जब ये इसकी पहले एक्टिंग अच्छी थी, मैं मानती हूँ पहले ये बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था, अब तो पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ब्लॉग में फारिक, बिल्कुल फारिक, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको कुट लगा दूं, इसको मैं इतना मारूंगा ना फिर इसको पता लगेगा कि क्या चीज है, ठीक है, 2% का आदमी है, ठीक है, ऊपर से बकवास कर, मेरी औकात पे बात की ना साला, मैं कसम से आंसू उठ के चला जाऊंगा, मैं तब दो हां जा बता दे, आपको खुद बात करने की तमीज है, आपको खुद बात करने की तमीज है, ऐसे आप बैठ जाते हो, हमारे पास आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ना हम तुम्हें अपने व्लॉग्स में लेंगे, ना हमसे कोई बातचीत करनी है, बस अब तुम्हारा रास्ता हमारा अलग है।
दफा होता है आएगा तो आवाज पता क्या थोड़ा दबाया ठीक है थोड़ी देर बाद इसने लाजमी आना ये इसकी महज इसको नहीं आएगा कोई पता नहीं इसका चल रही है उसको मना के लाओ वो आएगा थोड़ा वेट करना पड़ेगा ठीक है मुझे इसका पता है ये हमारे बिना मतलब वो मैं इस पर गुस्सा कर भी देता हूँ लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कर दी है थोड़ा वेट कर दो नहीं आएगा तो किसी सीट के ले आऊँगा चलिए ठीक है दादा अल्लाह हाफिज़ कहाँ जा रहे हैं आप लोग इधर आ इधर आ बात सुन इधर बैठ जा रहा है एक मिनट बात क्लियर करके जाओ ना तुम बैठा ना बात मतलब इतना कोई तपा दिया ना साथ को के वो बाहर से लगे अब हम देखते हैं कि अहमद लेकर आते हैं उसके लिए निकल ना गया वो मार खा लेगा इधर बैठ चल अपने बस चुप रहे हैं आप दोनों अब आप दोनों यही बोलना आप दोनों अपना काम करें मैं अपना करता हूँ जी बात हूँ आप लोग बदतमीजी करने लग जाते हैं अभी मैंने इसके कितने अदब से बिठाया ठीक है ऊपर से ये फिर हाँ ये अदब नजर आता है जो फेंक गया आपने तुझे मैं बता रहा हूँ मैं तुझे ये ना हो गया तुझे मैं जानू मार बिल्कुल फारिग बेटे पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो जो तुम व्लॉग्स व्लॉग्स के चक्कर में आते हो ना हमारे पास व्लॉग कब बनाना है चैलेंज कब करना है कोई चैलेंज नहीं कर रहे हम अब वो हुसैन है ना अहमद उसको नहीं लगता है उसके बाद दूसरे इतने बच्चे हैं जो मतलब दे रहे हैं दो सबको सब बेहतर है आप मेरे से मैंने आप नहीं एक मिनट तू इधर आना मेरी बात सुन अपने पीछे होते हैं यहां पे ग्राफे भी इतनी अच्छी करते हैं हुसैन ने हम उसे दोनों को ले नहीं दोनों को ये मुझे ये बताओ अपने तरफ से शाहरुख खान बनता है गोबर जैसी इसकी शक्ल है बातें इसकी चेक करो हैं डड्डू पूरा लगता है कि नहीं ठीक है ना इसको मैंने मारा है ना मैंने इसको कुछ करा है ठीक है ना इंसान की बातें बहुत होती हैं आप जहर लेकर बैठे हैं नहीं क्या अभी मैं तुझे मार मार के सही कर दूंगा अहमद ये कोई रोग हो नहीं रहा नाटक कर रही है जाने देना वो एक तो बदतमीजियां कर रहे हैं और आप उसे रोकने जा रहे हैं आप बड़े मैं आपको कुछ कहता नहीं अहमद मुझे अपने माँ बाप के नाम पे अदब चाहिए आप दोनों बहुत बदतमीजी मेरे से किए जा रहे हैं कब से मैं आप दोनों का लिहाज कर रहा हूँ यार आप दोनों बड़े हैं आप दोनों ना लिया करें मुझे वीडियोस में उन दोनों को ले रहे जो भी है अब आइंदा के बाद बेटे हम तुम्हें ना समझाएंगे और ना हमारा तुमसे कोई हो रहा है बात यार आप लोगों से हम कितने प्यार से तुम्हारी से बात किए जा रहे हैं आप लोग बदतमीजी में बदतमीजी किए जा रहे हैं चलो हम बड़े हैं ना हम तुम्हें समझाने के लिए तो समझा रहे थे आप लोग अपनी टोन देखी थी आप लोगों ने ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो तुम्हें पता है मैं कर रहा हूं बदतमीजी मैं बदतमीजी मतलब इससे बात करने की जरूरत नहीं है बस मैंने बता दिया
कब से आप दोनों से पूछी जा रहे थे, आप दोनों दिखाई जा रहे थे, ऊंची आवाज भी सुने मेरी, दोनों आप दोनों अपने नीचे रख में तेरी। अब आपने मुझे इस तरह की बात से आईदा नहीं पकड़ना, मैं आपको लास्ट टाइम फोन कर रहा हूँ। अभी छोटा है तो ज्यादा यार ना करें यार, मैंने नहीं मतलब आपके साथ बात करनी ना। मैं बता रही हूँ ये बहुत बदतमीज होती है, ठीक है, और ये आपसे बदतमीजी करना मुझे चढ़ा है गुस्सा। लगभग मैं आप यकीन मानो मैं बड़ा हो गया, इस पे हाथ उठाते हुए अच्छा नहीं लगता बंदा, ठीक है, इसको मैं मार मार के यार जय मिलाए। आप कॉल अपनी कॉल का डर खाया हुआ है मुझे, मैं घर जाकर कॉल बताऊंगा दोनों को, कसम खाता हूँ मैं, अपनी कसम खाता हूँ, मम्मा की कसम खाता हूँ, अपनी बहनों की खाता हूँ, अल्लाह की खाता हूँ, डैडी सबकी, जितने लोगों से प्यार है ना मैं कसम खाता हूँ। अच्छा कसमें खाए जा रहे हैं, तुझे ब्लॉग में लेना है, और कोई है हमारे पास नहीं, वो है ना जो जो भी आगे काम दे मैं देख, वो देख कैमरा लगा है, तू मखरा अपना हाथ ला दो, हाथ लाओ, आपके साथ प्रैंक हो गया है, तू जो है ना बिल्कुल ये देखो कैसे बदतमीजी कर रहा है। आप लोग ये ब्लॉग लीड कर दें, ये प्रैंक ना करें, आप लोगों ने आज ना उदास कर दिया। उदास तू तेरे बिना है कोई हमारा है, तू तू ही एक्टर है हमारा, मेन एक्टर है। हाँ ये सारे फारिग है, मैं अभी मैं कहता हूँ ठीक है ना, सब फारिग है तेरे सामने, तेरे सामने मजाक कर रहे तुझे जो है थोड़ा बहुत मारा है इसलिए सॉरी, तो मैं इसको मजाक में मारता हूँ, रो रहा था और क्या। ओए दिखाई तो जी साद के साथ हो गया प्रैंक ये बस जो है ना ये हमारी जिंदगी है, ठीक है, इससे बड़ा लव करते हैं। साद साद तुझे पता है इतने कमेंट आए तुम्हारे लिए, हां तुझे पता है साद आई लव यू, साद आई लव यू, पता नहीं कौन सा तुम्हें आई लव यू बोल रहा है, आई लव यू वगैरह मुझे लड़कियां आई लव यू नहीं बोलती, तुझे आई लव यू बोल रही। ओह नो, आपको क्यों बोलेंगी आपको किस खुशी में बोलेंगे लड़के आई लव यू है, जानना निकाल लूँ मैं आपकी और उनकी लड़कियों ये अपना लव है जो निकाल लूँ यू यू यार आप अपना प्रैंक में सारा रोला था नहीं बोली मुझे तो नहीं बोलती कोई नहीं यार अपना लव है तुम तो जी साध के साथ तो हो गया प्रैंक ठीक है मैं भी बैठ जाती हूँ नहीं नहीं मुंह धो के क्या ना तुम बस एंड करें हाँ। और ये कैसे बोल रहे हैं मुझे तो लड़कियाँ बोलती नहीं है तुम्हें बोल रही है आपको बड़ा शौक है कि आपको लड़कियाँ आई लव यू बोल रही है अल्लाह अल्लाह माफी गंदे इंसान चलो जी साध ब्लॉग का एंड इधर ऐसे करो जरा मैं आ रहा हूँ चलें जी अब हम अपने प्रैंक ब्लॉग को यहाँ पे अपने प्रैंक को एंड करते हैं और साथ को मैं भी आइसक्रीम खिला के लेके आता हूँ बाहर से ठीक है साथ के साथ आज भाई हमने प्रैंक बस करा है देखें बात पता क्या ये हमारा हम आप लोगों को बहुत पसंद है ठीक है और आप लोग इसके लिए कमेंट्स भी किया करें दूसरी बात ये कि साथ भी बहुत खुश होता है अगर उसके कमेंट्स आते हैं ठीक है आप लोग सब साथ का नाम लिया करें कमेंट्स में ठीक है और साथ बड़ा अच्छा है साथ जो है इसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है भाई नो डाउट बहुत अच्छा बच्चा है ये ठीक है ना आज का प्रैंक आप सबको कैसा लगा ठीक है हमें कमेंट में बताइएगा ठीक है हमारे साथ रहें ठीक है सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा ठीक है यो 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 मेरा नाम है साद और मैं ये वो कर बोला नहीं हो हाँ यो साद मेरा नाम साद है अब ज़्यादा एक्टिंग ना कर मेरे साथ है ये अल्लाह हाफिज़ चलो ओके गाइस अल्लाह हाफिज़